जो वैल्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल, वो जो वैल्यू देने की बात होती है, समझ आ गया ना? वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू प्रॉब्लम वैल्यू होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू अपने अपने अंदर डालनी है ना, हमने सीखना है। मतलब किसी और को अगर ये नहीं आता तो हमें आता है, ये वैल्यू होगी। किसी बिजनेस वाले को अगर ये नहीं आता हमें आता है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, कंसिस्टेंट भी रहना है, जुड़े भी रहना है, ठीक है। मुफ्त में कहीं से काम करने को मिले तो वो भी करना है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस करनी है कि नहीं, ठीक है। बचना इस बात से है, दो बातों से बचना आपने। एक तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि अपने आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, अपने आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। आपकी नस्ल का सबसे बड़ा मसला ये है, ये सुन के चले जाएं बड़े गौर से, आपका मसला ये है कि आप ना यहाँ जिंदा है, पीछे सबकॉन्शियस बोल के ना, पता सबकॉन्शियस क्या होता है? एक होता है कॉन्शियस दिमाग, जिससे मैं भी बात कर रहा हूँ, और आप कॉन्शियसली कुछ सुन रहे हैं, और कुछ लोग सुनते सुनते भी कुछ देर के लिए किसी और ख्याल में गए हैं और फिर वापस आए हैं, गए हैं ना? किसी को कोई कमिटमेंट याद आई है, किसी को किसी की बात याद आई है, किसी को कोई लड़की याद आ गई है, ठीक है, किसी को कोई बात याद आ गई है, किसी को स्नैप वीडियोस पे जब मैंने ध्यान दिलवाया तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आया ना याद, हुआ ना? तो वहां ही रहना है, जब आप यहाँ रह रहे हैं ना, ठीक है, ये 50% तो ब्रेन है जो आपका प्रोसेस करता है, इधर 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 नहीं रहना है आपने। आप इसी मौसम में मनी तो फिर आपको कुछ करना याद है, सिर्फ 10% काम करता है एरिया, तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है इसको। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैं कैसे नसीब को देख रहा हूँ, फॉर्मूला समझना चाह रहे हैं ना, कि मैंने इधर इसको बंद कर दिया, भाई ध्यान कर, होश कर भाई जान, सिचुएशन नहीं ठीक, काम करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कि मैं आराम से बैठा फिल्म देखता रहूँ। अब मुझे पीछे से पैसे दे दिए, पैसे मगर आ दिए, और मैं बैठा हूँ और मैं रात को बैठ के फिल्म दे रहा था, और सुबह आके कह रहा था असाइनमेंट नहीं हो सकती क्योंकि अब भूख पैसे हैं या किसी से मैनेज किए हैं, कोई और देख रहा है, तो सबकॉन्शियस में नहीं, यहाँ पे नहीं रहना, यहाँ पे रहना, ठीक है। पहली चीज ये है आपके लिए कि आप लोगों की जनरेशन का, इस मौजूदा दौर की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, जो मेरे डैडी ने आइडेंटिफाई किया आफ्टर मीटिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, टीचिंग सो मेनी स्टूडेंट्स, कि आपका अटेंशन स्पैन ही नहीं है। आपका अटेंशन स्पैन पता कितना है? अटेंशन स्पैन क्या होता है, पता लग गया ना? ध्यान कितनी देर तक रख सकते हैं आप? 6 से 8 सेकंड और मैक्सिमम 30 सेकंड तक जाता है, उसके बाद आप जो है ना फेसबुक पे यूं करके अगला स्क्रॉल मार देते हैं। इसीलिए टिकटॉक पे छोटी वीडियो है, इसीलिए टिकटॉक जो है परफॉर्म कर रहा है, इसलिए स्नैप जो है दुनिया में जो है उसने नई नस्ल के ऊपर फ्लरिश किया। अब आप बेशक इस बात को ना समझें और अपनी इस आदत की वजह से ही फंसे रहे, और यही आदत आपकी दुश्मन बन जाए, आपके रास्ते में रुकावट बन जाए आपकी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो संभव आपने कहीं ख्वाब देख ली है, तो ये तो बड़ी बड़ा बड़ा प्रॉब्लमेटिक स्टोरी है कि आप कैसे जीतेंगे इससे। वो कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि इंसान की सबसे मुश्किल जंग अपने आप से, इधर इधर नहीं, बॉडी से ऑब्वियसली गुर्दों से तो लड़ाई है नहीं, इधर है ना, वो कौन सी लड़ाई है? इधर और इधर की। आपके ब्रेन का 100% हिस्से में से 10% ये, 50% ये, और यहाँ पे 40% अलग से काम करता है जो काम ही नहीं करता, वो अनकॉन्शियस ब्रेन है वाला, ये 50% काम करता है, ये 10% काम करता है, और जो आपको अच्छे और बुरे ख्याल आते हैं ना वो यहाँ पे होते हैं आपके। जब आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आए ना, कुछ लोगों को तो खैर आती भी नहीं है, हम तो आदत से मजबूर सोसाइटी के वो लोग हैं जिनको ये भी पता कब वो नेगेटिव सोच रहे हैं कब वो पॉजिटिव, जब हम नेगेटिव को भी अच्छा ही समझते हैं, जस्टिफाइड ही समझते हैं, सही समझते हैं, यहाँ पे जो ख्याल आया ना आपके, वो आपको आपके छोटे से ना तब से लोगों ने आपके ये जो बातें की है ना वो आपके सारी यहाँ पे है, कुछ चीजें आपके यहाँ पे है, आप सोचते हैं कि वो चीजें जो आपके बिलीफ आपको लगते हैं उनके से बदले सारे, बट बहुत सारी बातें जो आपको गलत पता है, बहुत सारी बातें रॉन्ग है, बहुत सारे ख्याल आप गलत है आपको, तो उनको ठीक करना है या ऐसे ही रहना है? उसमें से ये भी एक है कि अपने अटेंशन स्पैन पे काम करना है आपने, और पॉजिटिव रहना है और फोकस करना है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते किसी की, फिर आप ऐसे भी नहीं बना सकेंगे, और प्रॉब्लम यही है। इस दौर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि दुनिया जो है कोविड के बाद डिजिटल हो गई, और अभी तक बिजनेस कन्वेंशनल है, और पूरी मार्केट पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की सफर कर रही है जो अब तक डिजिटल नहीं है, उनको जरूरत है किसकी, जिसको ये आता हो, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और अगर अभी भी रोना है और अगर अभी भी घूम रहना है स्नैक में या क्योंकि कुछ जो आउट ऑफ स्टेशन के आए थे उनको बताया होगा लाइटें, तो बस करो अब काम की तरफ आ जाओ, ठीक है, और सेल्फ लर्निंग को अंडरस्टैंड करें। कोई बंदा आपके दिमाग के अंदर इंजेक्शन ले, मेरा उस्ताद कोई नहीं है,
मेरा कोई साथ नहीं है, जिंदगी में जरूर है, फील्ड में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बताने में कोई नहीं था। मैं 2003 से जो उनका इस काम में घुसा हूँ, 2003 से गारंटी कर रहा हूँ गारंटी कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अपने आपके साथ लगे रहे, कंसिस्टेंट रहना चाहूंगा ना तो कामयाब हो जाएंगे। हमें नहीं किसी ने बताया, हम तो जलील होके पहुंचे हर जगह, क्या नहीं? तो ब्लेसिंग्स को अंडरस्टैंड करें, वक्त को समझें, वक्त की अहमियत को समझें, इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ द आर समझें। पैसा उसमें होता है जो नीड ऑफ द आर होता है, या आने वाले उस ट्रेंड में या मौजूदा ट्रेंड में, दो जगह पैसे एग्जिस्ट करते हैं, तीसरी कोई जगह नहीं है। पास में जाके तो लाने से रहे, क्या ख्याल है? तो सेल्फ लर्निंग एक रूल है कि जब आपने किसी से, मैं आपको कहूंगा आप मेरे से सवाल पूछे तो आप मेरे से तक सवाल पूछे, आप मेरे से तब सवाल पूछे जब आपको सवाल पूछना आ जाए। और वो कैसे आता है सीखने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने ना क्वेश्चन करना है, पूछेंगे तो पता लगेगा ना कि जब फंसे में आगे जाएंगे। और क्वेश्चन करने के लिए पहले सर्च करना है पूरी तरह से कि यार मैं अपना क्वेश्चन तो इकट्ठा कर लूं ताकि मैं एक सवाल में बेहतरीन आंसर उसी वक्त के अंदर बेहतरीन आंसर ले सकूं।